हम कोलकाता एयरपोर्ट के ये जो CISF सेंट्रल पुलिस होती है और उससे चेक करके अंदर आ चुके हैं। पहले उनको सबसे पहले आप टिकट दिखाएंगे, बोर्डिंग पास ये कहलाता है, ये देख सकते हैं बोर्डिंग पास। ये बोर्डिंग पास आप दिखाने के बाद जब अंदर आते हैं उससे पहले आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आईडी, वोटर आईडी जो गवर्नमेंट इशू करते हैं या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वगैरह के। उसके बाद जब आते हैं तो आप किस एयरपोर्ट, तो ये है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस जिसका एयरपोर्ट का नाम है, पहले दमदम एयरपोर्ट हुआ करता था, उसमें जब आप अंदर आ जाते हैं तो उस तरफ स्नैक्स है, चाय पान करने का इंतज़ाम है, उसमें पैसे लगेंगे। फिर पानी का दोनों तरफ इंतज़ाम है और वॉशरूम का। जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, इंडिगो से, स्पाइसजेट से, गो एयर से। तो मेरा जो टिकट है हैदराबाद जाने के लिए 11:10 पे है, वो इंडिगो से है। तो यहाँ पर आपको चेक कराना पड़ेगा, वेट बताना पड़ेगा कि वेट कितना है, 15 kg और उसके बाद 7 kg हाथ में ले जा सकते हैं या कुछ कम बेश। तो वो कराने के बाद वो आपको ऐसा कागज़ देता है, वो चेक करते हैं 15 kg से वेट कम हो। फिर उसके बाद ये इसका है लगेज का। उसके बाद आप जब फिर अंदर जाते हैं तो आपके पास बैटरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन ये सब जो है, लैपटॉप सबको अलग से लेकर के आप जाएंगे। वहाँ पे एक आपको ट्रे मिलेगा, उसी में आप चेक करेंगे। फिर से गवर्नमेंट का CISF के नौजवान आपसे ये चेक करते हैं, उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरीके का प्रकार, यही तरीक़ाकार, यही स्टाइल, यही तरीक़ाकार और यही तरीक़ा अपनाया जाता है। इंटरनेशनल से भी आप जाते हैं, सफ़र करते हैं, चाहे वो अमेरिका, लंदन, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई, कतर, दोहा या हज को भी जाते हैं, तो यही इस्तेमाल, यही तरीक़ा अपनाया जाता है, यही स्टाइल। तो मैं अब देख सकते हैं ये गवर्नमेंट के मुलाज़मीन CISF नौजवान ये तैनात हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जांच पड़ताल की जाती है। तो तकरीबन 3 जगह चेक किया जाता है आपको। सबसे पहले आते हैं मेन गेट पे, वहाँ पे चेक होता है आपका ये जो पास है, बोर्डिंग पास। उसके बाद फिर कोई आईडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से जारी की जाती है वो। उसके बाद फिर यहाँ चेकिंग करते हैं, हाँ, उसके बाद फिर आप आकर के जब वहाँ पे चेकिंग सामान वगैरह दे देते हैं फिर आप अंदर आते हैं। तो इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।